Hello everyone, welcome back to Revix Pros. I'm Robert Dagar and today we are here with a new DIY for the Gen 3 Duke 390. So what we are going to do is we are going to remove the sari guard, we are going to remove the OEM mud guard, and we are going to install the old mud hugger on the Duke 390. So I have already the mud hugger purchased from KTM service center. You can also buy it from the service center or from KTM parts dealer. And this will cost you total $650. So here I have this plastic mud hugger, metal mount, and these nuts and bolts will help us put it in place. 2024 Duke 390 का जो टेल डिज़ाइन है वो मेरे को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, जो ये प्लास्टिक मड फ्लैप्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो फिर सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि हम इस मड गार्ड को निकालेंगे और साथ में ये साड़ी गार्ड भी निकालेंगे। तो मड गार्ड निकालना काफ़ी ईजी है, ऊपर वाले फ्लैप के नीचे चार स्क्रू है, उन्हें निकाल के ऊपर वाला फ्लैप निकल जाएगा। और नंबर प्लेट के पीछे भी जो चौड़ा सा प्लास्टिक है, इसे निकालने के लिए पीछे से इंट्रोड्यूस करेंगे, नंबर प्लेट बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये प्लास्टिक निकल जाएगा। और एक बार ये सब निकल जाएगा तो फिर हम पुराने वाले ड्यूक का जो मड हगर हमने खरीदा है उसे इस बाइक पे लगाएंगे। उसको लगाने के लिए एक बोर तो डायरेक्ट मैच कर रहा है, बट क्योंकि नई वाली ड्यूक का स्विंग आर्म चेंज हो गया है, इसने दूसरे बोर के लिए हमारे को थोड़ी ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि बाइक रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा हम SK ऑटो केयर पर ही कराते हैं, और ये वाकड़ में है। तो अगर आपके पास भी एक बाइक है और आपको सर्विस करानी है, कुछ मॉडिफाई कराना है, तो आप यहाँ पर आकर सुशाल सर से मिल सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब टेल रेडी कम्प्लीटली नेकेड हो गया है और साड़ी गार्ड भी हट गया है। अब हम इसके ऊपर वापस से नंबर प्लेट माउंट करेंगे। तो नंबर प्लेट माउंट करने के दो तरीके, या तो आप दो होल से डायरेक्टली नंबर प्लेट इसके ऊपर माउंट कर दो। मैं एक्चुअल में नंबर प्लेट बॉक्स लगा दूँ क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा एलिगेंट लगता है, और एक बार ये बॉक्स लग जाएगा उसके बाद नंबर प्लेट वापस से फिक्स कर दूंगा। तो चलिए अब मेन मड अगर काम शुरू कराते हैं, और उसके लिए सबसे पहले माउंट को ऑल्टर कराना पड़ेगा, और उसके लिए तीन चीज़ें होंगी, कटाई, SI और फाइनली वेल्डिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, माउंट अब पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसे पेंट करेंगे, बट पेंट करने से पहले थोड़ा सा सैंड करना पड़ेगा ताकि थोड़ा स्मूथ सरफेस हो जाए, और उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। माउंट कम्प्लीटली पेंट हो गया है, सूख चुका है पेंट, और अब ये लगने के लिए रेडी है। तो चलिए वापस SK ऑटो केयर चलते हैं। आपको ये प्लास्टिक वाले मड हगर को नट्स का यूज करके मेटल वाले माउंट पे लगाना है, और उसके बाद बस उसे फिक्स कर देना है। और ये लग गया है हमारा मड हगर 2024 ड्यूक 390 पे। वेल, ऑल दिस सेटअप कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज, बिकॉज 200 फॉर ऑल्ट्रेशन, 650 फॉर द मड हगर, एंड देन 200 फॉर पुटिंग इट मैट ब्लैक। दैट्स इट। So you can get it too, and you can get it installed. Well, no more plastic, minimalistic tail ready, and a mud hugger to save your bike from dirt. I hope this video was helpful for you. Do give it a thumbs up and share it with your family and friends. We'll see you again in the next video. Till that time, ride safe. Bye bye.